तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। तेरे नहीं करारा मैनू कटिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सजनों ते मित्रों, सोनियों ते प्यारियों, माँ दिया दुलारियों, बिल्लियों, चूचियों। बिग अनाउंसमेंट ऑन दिस चैनल, एक बिग रिवील होगा बहुत जल्द इस चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर आप मिस नहीं करना चाहते उसको। इतने दिन हो गए मेरी अख सोई ना, तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना। यहां से ऑडियो में रिमूव कर रहा हूं कॉपीराइट की वजह से, तो अगर आप ऑडियो के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे टिकटॉक पे देख सकते हैं। तो बहुत जल्द इस चैनल पे होगा एक बिग रिवील, तो अगर आप देखना चाहते हैं मुकम्मल वीडियो शक्लों के साथ तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ताए क्यों तुझको चाहे यारा, पता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझ आए। तू जाने ना, आज का व्लॉग एक्चुअली पहला व्लॉग है जो प्रॉपर रमज़ान व्लॉग है, मतलब कि जो रोज़ा रख के मैं बना रहा हूँ, वरना जितनी आपने पहले फुटेज देखी है जो रमज़ान में व्लॉग्स आए हैं वो एक्चुअली फुटेज सारी रमज़ान से पहले की थी। तो ये पहली बार एक्चुअली रमज़ान में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो आप लोग? आप में से किस किस का रोज़ा आज? कल रखोगे? कल आप भी रखोगे? ओह, तो आप ही तक कितने रोजे रखे हैं आपने? अभी एक। और दानी ने? एक। दानी ने भी एक रखा है? हाँ। यहाँ से आ रही है मुझे कुछ आवाजें, तो जाके देखते हैं कि अंदर है कौन और क्या कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? यहाँ पे तैयारी हो रही है और बता नहीं सकते क्या? किस चीज की तैयारी हो रही है ये भी नहीं बता सकते। ये सारा इतना मशकूक मशकूक क्यों लग रहा है मुझे? बता दो। बता दें? बता दें? बता दें? हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं नीचे, बहुत मशकूक सरगर्मियाँ हो रहे हैं। हम ऐसी मशकूक सरगर्मियों में हिस्सा ही नहीं लेते, हम बाहर चले जाते हैं आराम से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। आप क्यों घर के अंदर मीका सिंह बन के बैठी हुई हैं? हाँ, मैं ही मीका सिंह का। हाय हाय हाय। क्यों सनग्लासेस लगा के बैठी हुई? वैसे ही शौक ना, मैं क्या सोनी लगनी है कि पैड़ी लगनी है? हाय हाय। असल में मम्मी, दो दिन पहले इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है ना? कोई बात नहीं है। तो कैसा रहा आपका ऑपरेशन आंख का? नहीं, ठीक ठाक ठीक है, मन कोई दर्द नहीं हो रहा। उस वक्त भी दर्द नहीं हुआ था या अभी नहीं? उस वक्त नहीं हुआ। अभी दर्द और है? नहीं, दर्द नहीं है, सिर्फ ना आखे तीन दिन पेनी नहीं आख जावे, ता बस प्रेज वाल बैठी नहीं, मन दर्द को नहीं है। तो एने कलामा ते फिर जी फिर देखा ते फिर थोड़ा थोड़ा दर्द होंदा, पर ते कलाया नहीं होंदा। चल सही है, अल्लाह आपको ठीक रखे, आपकी आंख को भी ठीक रखे। और ये सारे लोग इधर बैठे हैं और ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे उनको पता नहीं कि व्लॉगिंग हो रही है। लग रहा है कि इनको रोजा लगा हुआ है। किसको सबसे ज्यादा रोजा लगा हुआ है? A few minutes later. ये इधर क्या हो रहा है? ये कौन मुझ पाके लेटा हुआ है इधर? रोजेदार लोग। अच्छा अच्छा, आपका रोजा नहीं है? नहीं, मेरा नहीं, नहीं का रोजा है। अच्छा, चेहरा दिखाएं ना जरा। हाय, क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे लेटे हैं? बस आराम कर रहे हैं। बीमार लोग? नहीं, क्या बीमारी है? सुस्ती की? सुस्ती की है बिल्कुल, ये सही पकड़ा है। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं इफ्तारी तकसीम करने। तो क्या तकसीम कर रहे हैं आप इफ्तारी में? हम स्नैक्स दे रहे हैं। खुद बना के? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं बनाने में। तो हम पैकेज बनवाए हैं, समोसे पकौड़े गुलाब जामुन। कहाँ से बनवाए हैं? देसी किचन। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप देने इफ्तारी? अभी हम वसीम जाहिद भाई के तरफ जा रहे हैं देने। और आप? मैं मुख्तलिफ जगहों पे, इन्होंने बाद में मुख्तलिफ जगहों पे लिए जाएंगी वहाँ से वापसी पे, तो कुछ मैं निपटाऊँगा इधर। तो सबसे पहले हम जाएंगे वसीम भाई की तरफ, वो ज़रा मतलब ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी दूर रहते हैं यहाँ से, तो उनकी तरफ पहले जाएंगे, उनको देंगे।
तो और उनसे वापसी पे मैं अपने लेके जाऊंगी रूम को पकड़ा। अच्छा सही है, अगर हमने आपको इजाजत दी तो नहीं प्लीज। तो वसीम भाई से भी आपको मिलवाते हैं, ऑटोग्राफ ले लेंगे उनसे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? बस ठीक ठाक। आप लोग इतने दूर से यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या करें, आपके लिए इफ्तारी लेके आए। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप अंदर आए? नहीं अंदर, हमें भी काफ़ी घरों में जाना है, हमने इफ्तारी देनी है, भाभी बैठी हुई हैं। अभी हम वसीम भाई को इफ्तारी देके वापस जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया उनके घर। एक्चुअली हम पहली बार इस इलाके में और पहली बार उनके घर आए थे तो मज़ा आया। वैसे इफ्तारियाँ वगैरह तकसीम करने के बाद अब घर पहुँचे और देखें यहाँ नईमा हमारे लिए इफ्तारी तैयार कर रही है। ये क्या है नईमा? मुझे तो लगता है कि इन्होंने समोसों को ना कुल्फियाँ बना दी है तिले लगा लगा के। इफ्तारी क्योंकि नॉर्वे में जो इफ्तारी इस वक्त हो रही है वो 9:15 के बाद हो रही है, लेकिन अब 9:15 तक पहुंच चुकी है, तो 9:15 तक होती है और उसके बाद आप ज़ाहिर है खा नहीं सकते, मतलब खाना प्रॉपर खाना हम नहीं खाते, हम इफ्तारी में जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं से खा के गुजारा करते हैं, सहरी तक भी सहरी में खाना खाते हैं। तो इस वक्त इफ्तारी की तैयारी हो रही है, अब रोज़ा खुलने में एक्चुअली 1 घंटा रह गया है, तो आराम से रोज़ा गुजर रहा है, कुछ इतनी मतलब भूख शूख नहीं लग रही, लेकिन जब बंदा काम पे हो या मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा हो जिसमें आपकी एनर्जी लग रही हो फिर आपको पता चलता है रोज़े का, फिर प्यास भी लगती है फिर भूख भी लगती है, लेकिन अगर आप घर में और कोई काम नहीं कर रहे तो फिर इतना महसूस नहीं होता कि रोज़ा रखा हुआ है या इतना लंबा रोज़ा है। हाँ जी, तो अभी तक जो व्लॉग आपने देखा वो एक्चुअली पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके बाद पता नहीं मेरा दिल नहीं किया, मूड नहीं बना, मोटिवेशन नहीं मिली तो व्लॉग नहीं हुआ था, लेकिन आज एक हफ्ते बाद फिर आप लोगों के मैसेजेस ने आप लोगों के कमेंट्स ने मजबूर किया है कि कैमरा उठाऊं और व्लॉग करूं, तो अब व्लॉग कर रहा हूं। तो रोज़ा है, पता है रोज़े में थोड़ा व्लॉगिंग मुश्किल हो जाती है ना। आज जो है हमारी इफ्तारी जो है वो शुएब और आशा लोगों के घर है, तो शाम को हम उनके घर जाएंगे, लेकिन अभी देखें मौसम कितना ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, टाइट किस्म का मौसम हो रहा है, इधर बादल हैं, इधर धूप है और इधर हम हैं। पर ये मकड़ा और उसका जाला है, मेरे ख्याल में इसको आराम करने देते हैं, इसको मतलब हमें तंग करने की ज़रूरत नहीं, इसने हमें तंग नहीं किया, हम इसको तंग नहीं करते, इसी तरह दुनिया का निज़ाम चलता है, जियो और जीने दो। हाँ जी बबकर, कैसा रहा आज आपका काम? बहुत अच्छा, बहुत काम था आज, बहुत काम था आज, मौसम भी बहुत अच्छा है। ये क्या कर रहे हो? काम कर दो ना मेरा। हाँ ये डाल, खुद नहीं डाल सकते कसम से। ओ माई गॉड, कितनी होगी एज आपकी? तो पहले क्या करते थे, लास्टिक डालते थे? नहीं। A few minutes later. तो बबकर ये लो। तो ये देने जरूर आना था। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम जा रहे हैं आशा लोगों के घर इफ्तारी पे। जुल्फी भाई लगी आपको भूख? बहुत सख्त लग रहा है वाकई आपके चेहरे से। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम रह गए, 2 घंटे रह गए। ये आयशा लोगों के लिए कुछ ईदी है, ये मजदूर बुलाए हैं हमने सामान उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अबूबकर साहब, ये सामान उठा के सारा ना लेके जाएं। वैसे भी इस इलाके में सामान उठाने का हमारा तजर्बा, इधर सामान हम ही छोड़ के गए थे इनका। वाह इधर तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, आप लोग पहले से पहुंचे हुए इधर? बिल्कुल। वाह क्या बात है, कैसा लगा आपको इनका घर? बहुत अच्छा लगा। हाँ। और यहाँ गेमें खेली जा रही हैं? जी भाई मंसूर। इसीलिए इनका दिल था कि हम लेट आते लेकिन हम जल्दी डांस पहुँच गए। हाँ इसीलिए हम वापस चले जाएंगे। पीछे नहीं निकालना। ओह माय गॉड।
ये क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ ये सिर्फ प्ले स्टेशन सी रहेगी अभी 3, 2, 1 और उसके लिए यहाँ इफ्तारी की तैयारियाँ इधर जा रही हैं। मतलब आयशा क्या क्या बनाया आपने हमारे लिए? कुछ नहीं, पकोड़े और बस हम वापस चले जाएं फिर हम ओके आयशा खुदा हाफिज़ हम जा रहे हैं। अभी आयशा इधर नहीं है तो हम देखते हैं क्या बना रही है हमारे लिए। रोल समोसे हाय हाय तैयारी शुरू होने वाली है क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा। हमें भी एक्चुअली लग रही है अब काफी भूख। मतलब जब आखिरी जो एक्ट आता है उसमें लगती है भूख, उसमें पता चलता है कि आपका रोजा था। आयशा अगर स्वीट्स पर आयशा से किसी ने ये समोसे मतलब रोल्स पकौड़े ऑर्डर करने तो कर सकता है? कर सकते हैं। स्वीट्स पर आयशा जो है वो नमकीन पर आयशा भी दे सकती है। दे सकती है जो चाहो। वाह वाह स्वीट्स में ये बनाया आज स्वीट्स ही है ना बाद में ये नॉन नमकीन निकला। ओस्लो में आप इधर जहाँ आप लोग रहते हैं यहाँ रोज़ आधा घंटा पहले नहीं खुलता? नहीं मतलब हम एक मिनट बाद खुलता। हम दूसरे शहर आए हैं तो रोज़ आधा घंटा पहले नहीं खुलता? क्या करते हो आप? लेट खुलता। अगर आपने अभी तक बक्कर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। क्यों इतनी तस्वीरें खींच रहे होते रोज़? नहीं करता तो तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? पता नहीं करता हूँ फिर उसके बाद एडिट करता हूँ फिर उसके बाद डिलीट कर देते हो। वेरी गुड। वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह मेहरबान वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह क्या वो जीशान है अल्लाह हू अल्लाह उसकी सब निशान है अल्लाह हू अल्लाह सब दिलों की जान है हमारी इफ्तारी करवा के शुक्रिया अदा करें हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया हमें इज्जत दी है हमें खाना दिया भूख भूख और खाना हमने खा लिया हमारा पेट मतलब सही फुल हो गया आप जल्दी से चाय ले आए। चाय की जगह है और मीठा की जगह है स्वीट्स भाई आशा की तरफ आए और मीठा ना खाएं ये कैसे हो सकता है? आप लोगों की क्या मीटिंग चल रही है इधर है? खाने के बाद की मीटिंग चल रही है और हम खाने पे डिस्कशन कर रहे थे कैसा बना था। अच्छा अभी तक डिस्कशन हो रही है उधर तो आप कह रहे थे उसको के बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है बोलना पड़ता है सामने तो ये बोलना पड़ता है। नहीं बाकी मजे का बना था मजाक कर रहे थे। नहीं ये आपका सियासी बयान है ये सियासी बयान है। आयशा सुनो इधर क्या हो रहा है इधर कह रहे हैं खाना इतना अच्छा नहीं था हमने वैसे तारीफ की है तब सच बोल दो ना जो है। नहीं नहीं मत देखो क्या हो रहा है इधर कुछ नहीं ये क्या हर जगह आप हर वक्त आईपैड वगैरह में घुसे रहते हो क्या करते हो आप लोग? गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं कुछ और काम भी कर लिया करो। क्या काम? आपका वो म्यूजिक वाला करियर के कहां तक पहुंचा आपने कोई गाना शाना तैयार किया है ब्लॉग के लिए? नहीं नहीं का क्या मतलब है? चलो हमारा गिटार वापस करो फिर। अच्छा चाय तैयार हो रही है कहाँ तक पहुँची चाय? बस होने लगी है भाई। तो चाय कौन बना रहा है? मैं। वाह पहली बार हम शेफ के हाथ की चाय पियेंगे ये तो बड़ी किस्मत वाली बात है। अच्छी होनी चाहिए फिर पक्का। और जो मैंने आपको सीक्रेट रेसिपी बताई है वो नहीं वहाँ नहीं ट्राई की वहाँ नहीं डाली अंदर वो एक सीक्रेट किसी दिन वो एक सीक्रेट रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगा चाय बनाने के बहुत जबरदस्त है। तेरे हाथों कंगना खंजे तेरे पैरों पायल छाने माही रे
अभी हम आयशा और शुएब के घर से इफ्तारी करके घर पहुंचे हैं और वो साढ़े से पहले बैठे हैं। ये हमसे पहले इधर बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मोनिश बाप सामने आओ। ये क्या भाई मंसूर आपने कहा तो फिर मिलते हैं आपके घर हम आ गए। अच्छा मैंने कहा होगा मैंने तो नहीं बोला ये किसी ने नहीं बोला मैंने तो वैसे कह दिया होगा मतलब जैसे कहते हैं इग्ली वाले फिर बात होगी ये नहीं हां फिर बात होगी सीरियसली ले जाते हर बात को The next day देखें ये कौन आ गया इधर ईशा आप अचानक बर्गन से यहाँ कैसे पहुँच गई हैं मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि ईद वाले दिन इस चैनल पे एक स्पेशल वीडियो रिलीज होगी कौन सी स्पेशल वीडियो क्या बता रही हैं आप व्यूअर्स को वो तो हम देखेंगे तो क्या करेंगे फिर सब्सक्राइब करें फॉलो करें लाइक करें 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 करें